गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डू सम फ्यू मोर वर्ड्स इन ई एंड वी ऑफ लेसन नंबर ट्वेंटी सेफ्टी रूल्स एज वी हैड कंप्लीटेड सिक्सटी वर्ड्स टुडे एज द चैप्टर इज़ लेंथी लेसन बहुत बड़ा है इसलिए उसमें हार्ड वर्ड्स ज़्यादा है तो आज थोड़े और हार्ड वर्ड्स हम लिखने जा रहे हैं और उसको लर्न करने जा रहे हैं ओके फर्स्ट यू राइट डाउन सी डब्ल्यू डेट एट ज़ीरो फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द सेम लेसन इज देयर सो यू कैन कंटिन्यू फ्राम द सेम पेज नेक्स्ट टू द वर्ड सिक्सटी यू कैन कंटिन्यू सिक्सटी वन ओके हार्ड वर्ड्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेम चैप्टर का है इसलिए अगेन आपको सेफ्टी रूल्स लेसन नंबर ट्वेंटी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे सिक्सटी नंबर का वर्ड ख़त्म हुआ है उसके नीचे से या उसके बाजू में से आप स्टार्ट कर सकते हो ओके okay? सिक्सटी वन हार्डवर्ड सिक्सटी वन एस ओ सी के ई टी एस सॉकेट्स एस ओ सी के ई टी एस सॉकेट्स कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वायर्स प्लग्स के बारे में लर्न किया था सॉकेट्स सॉकेट्स मतलब इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होती है स्विच बोर्ड होता है उसे बोलते हैं सॉकेट्स यानी यहाँ पे बच्चे लोग जब छूते हैं तो ध्यान से बच्चों को वो नहीं छूना चाहिए क्योंकि अगर शौक लग जाता है तो उससे झटका लगता है तो इलेक्ट्रिक वायर्स प्लग्स और सॉकेट्स को बच्चे को नहीं छूना चाहिए बड़े उसे यूज़ करते हैं बच्चे करते हैं तो उसको बड़े को सिखाना पड़ता है कि कैसे उसे यूज़ करना है ओके सिक्सटी टू हॉट आयनस एच ओ टी हॉट आई आर ओ एन एस आयन्स आयरन्स मतलब गर्म इस जो कपड़ों कपड़ा इस्त्री करते वक्त हम इस्त्री यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्त्री उसे बोलते हैं हॉट आयरन्स सी ए यू एस ई कॉज कॉज मतलब किसी चीज़ का कोई भी मतलब होता है कॉज किससे होता है क्यों होता है तो किसी चीज़ को बनने के लिए किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई ना कोई कारण होता है कॉज मतलब कारण सी ए यू एस ई कॉज कॉज मतलब कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता है तो इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉज सी ए यू एस ई कॉज एच ए आर एम हाम हाम मतलब किसी चीज़ में नुकसान होना उसे कहते हैं हाम हाम मतलब किसी चीज़ का नुकसान होना एम ए टी सी एच मैच एस टी आई सी के एस स्टिक्स मैच स्टिक्स मतलब हम जब दिया जलाते हैं तो किससे जलाते हैं मैच स्टिक्स से चलाते हैं मोमबत्ती दिए वगैरह जब चलाते हैं तो किससे चलाते हैं मैच स्टिक्स से मैच बॉक्स होता है उसमें मैच स्टिक्स होती है वो भी बच्चों को नहीं छूना है वो बड़े से ही करना बड़े ही उसे करते हैं एफ आई आर ई फायर फायर मतलब आग एफ आई आर ई फायर फायर मतलब आग बी यू आर एन बर्न अगर बच्चे उसे ध्यान से देखते हुए जब मैस्टिक यूज़ करते हैं तो अगर उनको पता नहीं होता है तो वो जल जाते हैं जलने का मतलब है इंग्लिश में बर्न बी यू आर एन बर्न मतलब जलना तो ये सब चीज़ें करते वक्त तो उसके भी नियम होते हैं ओके एस के आई एन स्किन स्किन मतलब अपनी उपली तय स्किन जैसे है तो वो उपली जो चमड़ी होती है हमारी उसे स्किन कहते हैं आर ई पी ओ आर टी रिपोर्ट रिपोर्ट मतलब अगर कुछ हो जाता है तो हमें तुरंत जानकारी देनी होती है उसे बोलते हैं रिपोर्ट अगर कुछ एक्सीडेंट होता है कुछ भी क्लास में होता है कुछ अनबन हो जाती है कोई लड़ाई करता है तो हमें किससे तुरंत बोलना है हमसे जो बड़ा होता है क्लास में होता है तो टीचर को बताते हैं घर पे होता है तो अपने घर पे मम्मी पापा या बड़े जो भी हमसे होते हैं उनको बताते हैं टी ई ए सी एच ई आर टीचर टीचर मतलब शिक्षक टी ई ए सी एच ई आर टीचर नेक्स्ट ए डी यू एल टी अडल्ट ए डी यू एल टी अडल्ट मतलब हमसे जो बोड़ा बड़ा होता है उसे अडल्ट कहते हैं अगर हम कुछ भी बनता है कुछ भी <coughs> हार्मफुल होता है या आपको कुछ लगता है या कोई झगड़ता है या कुछ भी अनबन हो जाता है जिसे आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आपके घर में आपसे जो बड़ा होता है उनको जानकारी देनी होती है क्लास में टीचर होते हैं तो टीचर को जानकारी देनी होती है आपसे जो बड़ा है जहाँ पर भी आप लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत ही हमें रिपोर्ट करनी होती है, है ना जानकारी देनी होती है सेवेंटी टू इमीडिएटली आई डबल एम ई आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई इमीडिएटली यानी तुरंत ही इमीडिएटली आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई इमीडिएटली नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड फर्स्ट एड मतलब अगर हमें कुछ लगता है तो तुरंत फर्स्ट एड फर्स्ट एड मतलब जब जल्दी से हमें पट्टी बांधनी होती है दवाई लगानी होती है अगर कुछ लगता है तो तुरंत हमें क्लास में स्कूल में या घर पे कुछ भी होता है तो मम्मी पापा या स्कूल में टीचर वगैरह सब हमें क्या तुरंत करते हैं फर्स्ट एड देते हैं जैसे दवाइयाँ लगाना डेटोल से साफ़ करना ट्यूब्स लगाना जैसे सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाते हैं पट्टियाँ लगा देते हैं तो वो होता है फर्स्ट एड डॉक्टर के आने से पहले फर्स्ट एड बॉक्स में से हमें फ़र्स्ट एड की जो दवाइयाँ होती है वो लगाते हैं फर्स्ट एड बॉक्स मतलब अगर कुछ आपको होता है लगता है वगैरह या कुछ चोट लगती है तो फर्स्ट एड बॉक्स में वो सारी दवाइयाँ मरम पट्टी वगैरह होता है उसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स जैसे डेटॉल बैंडेज वगैरह होता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स में वो कहाँ पे होता है फ़र्स्ट एड बॉक्स में सब कुछ रखा जाता है वो क्लासरूम में भी होता है स्कूल की ऑफिस में भी होता है हम अपने अपने कार्स में रखते हैं स्कूटर्स में रखते हैं फर्स्ट एड का बॉक्स छोटा या बड़ा हमेशा साथ में रखना चाहिए अगर हम बाहर जाते तब भी रखते हैं अपनी व्हीकल में और स्कूल में क्लासरूम में सब जगह फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए पब्लिक प्लेस पब्लिक प्लेस मतलब जहाँ पी यू बी एल आई सी पब्लिक पी एल ए सी ई प्लेस पब्लिक प्लेस पब्लिक प्लेस मतलब जहाँ पे सारी पब्लिक्स होती है जैसे पार्क्स में गार्डन्स में रोड पे पब्लिक प्लेस जैसे जैसे हम घूमने जाते हैं वहाँ बहुत सारी लोग होते हैं उसे कहा जाता है पब्लिक प्लेस टी ए एल के टॉक टॉक मतलब बातें करना टी एल के टॉक यहाँ पे एल साइलेंट है इसलिए बोला जाता है टॉक टी एल के टॉक मतलब बातें करना स्ट्रेंजर एस टी आर ए एन जी ई आर एस ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स मतलब जिसे हम पहचानते नहीं हैं उसे इंग्लिश में कहते अनजान आदमी हिंदी में बोलते हैं ना अनजान आदमी तो जिसे हम पहचानते नहीं हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेंजर्स एस टी आर ए एन जी ई आर एस स्ट्रेंजर्स एनी थिंग एन वाई टी एच आई एन जी एनी थिंग मतलब कुछ भी एस टी आर एन जी स्ट्रेंज स्ट्रेंज मतलब जिससे हमें जन कुछ अलग सा लगता है स्ट्रेंज मतलब कुछ अलग सा लगना जो हमें पता नहीं होता है, वो कुछ अलग ही दिखता है एल ओ एस टी लॉस्ट लॉस्ट मतलब खो जाना एल ओ एस टी लॉस्ट लॉस्ट मतलब खो जाना पी ओ एल आई सी ई एम ए एन पोलिस मैन पी ओ एल आई सी ई एम एन पोलिस मैन जो पोलिस स्टेशन में पोलिस मैन होते हैं जो चोरों को पकड़ते हैं फिर कुछ भी गलत होता है एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे कौन आके सब सर्च करता है तो पोलिस मैन होते हैं अगर हम कहीं पे भी खो जाते हैं तो कौन ढूंढता है पोलिस मैन ढूँढते हैं गुड टच नेक्स्ट इज़ गुड टच जी डबल ओ डी गुड टी ओ यू सी एच गुड टच गुड टच मतलब जिससे हमें कोई अगर हमें छूता है और हम अपने को फील अच्छा लगता है तो वो गुड टच होता है और बैड टच B ए डी टी ओ यू सी एच बैड टच मतलब कोई अगर अनजान आदमी हमें छूता है और हमें अच्छा नहीं लगता तो वो बैड टच होता है तो बैड टच अगर लगता है हमें तो हमें तुरंत ही अपने से बड़े को कहना होता है कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये हमें बैड टच हमको फील अच्छा नहीं लग रहा स्कूल में होता है तो टीचर्स को बताते हैं घर पे होता है तो पेरेंट्स को बताते हैं कोई भी अनजान आदमी आकर हमें छूता है और हमें फील अच्छा नहीं लगता तो उसे बैड टच कहते हैं ना तो ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको नोट नंबर थ्री में टू टाइम्स करने हैं ओके आज ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको नोट नंबर थ्री में लिखने हैं फर्स्ट वन सॉकेट्स Or tyrants, cause, harm, matchsticks, fire, burn, skin, report, teacher, adult, immediately, first aid, first aid box, classroom, public place, talk, strangers, anything, strange, lost, policeman, good touch. Bad touch. These words you have to write two times in note number three. Okay, goodbye.